एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि टू बिगिन विथ इतनी बड़ी फिल्म थी, इतने बड़े डायरेक्टर थे, इतने बड़े एक्टर थे, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और ये गाना भी थोड़ा अनयूजुअल टाइप का गाना था, लव सॉन्ग लिखना था जिसका मेन लाइन ही है लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। तो काफ़ी टाइम इस पे गया कि इस थॉट को एलैबोरेट कैसे किया जाए। और राजू है टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग एंड ऑल्सो द स्टोरी कि क्या है, आमिर का कैरेक्टर क्या है। तो बस हमारे पास ये एक लाइन थी, लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम बट आई वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, और इसको एलैबोरेट करना था। तो मैंने पांच छह ऑप्शंस दिए राजू को, पांच छह मुखड़ा के ऑप्शंस दिए, और सारे ऑप्शंस में था लास्ट लाइन उनकी थी लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी फ़िलहाल जो गाने में है वो वाला ऑप्शन राजू को सबसे ज़्यादा पसंद आया, फिर हमने उस पर काम शुरू किया। 2013 फर्स्ट अप्रैल आई गेट अ कॉल फ्रॉम राजू, फर्स्ट अप्रैल। तो पहले तो मेरा फ़ोन बजा, उसमें राजू हिरानी आया, तो ऐसे डर यार ये क्या है, कौन ये फर्स्ट अप्रैल को ऐसा फ़ोन कैसा आ रहा है। तो बात हुई, आई न्यू राजू फ्रॉम बिफोर एंड बात वत हुई, जनरली पीके की बात हुई, कैसा चल रहा है शूट। काफ़ी 15-20 मिनट बात करने के बाद दिन राजू से इसकी, अच्छा एक गाना लिखना है, तो मैं सोच रहा था कि व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग इट, विल यू बी इंटरेस्टेड। सो आई सेड राजू दिस इज़ द मोस्ट रिडिकुलस क्वेश्चन आस्क्ड, आई मीन हु विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ पीके, ऑफकोर्स। सो ही सेड कि ठीक है, मैं अभी रेकी के लिए जा रहा हूँ, दो दिन के बाद आके मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर दो दिन के बाद इफ़ यू डोंट कॉल मी आई विल कॉल यू आफ्टर 3 days, एंड दैट्स वॉट हैपन्ड, आई कॉल्ड हिम आफ्टर 3 days। तो ही वो स्टिल नॉट बैक फ्रॉम द रेकी। तो राजू ने बोला कि मैं दो दिन के बाद आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तो दो दिन के बाद आई वेंट एंड मेट हिम, और वैसे ही पहले काफ़ी बातचीत हुई, देन ही टोल्ड मी द प्रेमाइस ऑफ द फिल्म जो कि अभी तक कोई नहीं जानता है, और क्या है आमिर का कैरेक्टर, क्या है ये गाना, किस पॉइंट पे आ रहा है। तो काफ़ी डिटेल में बात हुई, और राजू बहुत ही डिटेल में समझाते हैं जो भी सिचुएशन होती है कि अच्छा ये थॉट है, ऐसा है, ये लाइन होनी चाहिए, ऐसा लिंगो होना चाहिए, बिकॉज इस गाने का लिंगो बाकी फिल्म के गानों से अलग है। ये गाना एक, इसमें एक यू नो भोजपुरी टच है इस गाने में, तो उस किस्म के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि बिहार यूपी में यूज़ होते हैं, स्लैंग्स यूज़ किए गए हैं और देसी शब्द यूज़ किए गए हैं। तो ये एक बहुत क्लियर था कि इस गाने की भाषा क्या रहेगी। तो उस पर काफ़ी मज़ा आया काम करने में, स्पेशली क्योंकि ये सोच के लग रहा था कि ये लाइंस आमिर खान गाने वाले हैं, तो और भी एक्साइटमेंट था। तो बड़ा मज़ा आया, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई नहीं इस गाने के दौरान, राजू के साथ ही मेरी सिटिंग होती थी, लेकिन हाँ गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर राजू का मैसेज आया मेरे पास कि आमिर ने गाना सुना, उसको बहुत पसंद आया है। तो गाना जो था टोटली, मतलब हम लोगों ने जब बनाया था, राजू यूज़ टू बी देयर, शांतनु यूज़ टू बी देयर, अभिजात यूज़ टू बी देयर एंड मी यूज़ टू बी देयर, तो चार लोग बैठ के हम लोग बनाते थे। इस गाने में आमिर, इस गाने के दौरान आमिर खान से मुलाकात नहीं हुई थी हमारी, गाना बनने के बाद उनको सुनाया गया और उनको बहुत पसंद आया और मैसेज आया था मेरे पास कि उनको गाना बहुत अच्छा लगा। तो आई होप टू मीट हिम ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ सम टाइम सून। जहाँ तक फिल्म की बात हो, फिल्म में आज आप देखते हैं कि बहुत से अलग अलग तरह के गाने होते हैं, उनके जो बोल होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं, तो आप खुद को एज अ लिरिसिस्ट किस तरह से मानते हैं कि बोल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी गाने में? देखिए, बोल तो हमेशा से गाने में बहुत इम्पोर्टेंट हुए हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि आजकल हमारी खुद की भाषा चेंज हो गई है, स्पेशली बड़े शहर में कोई भी हिंदी में नहीं बात करता है, सभी इंग्लिश में बात करते हैं। तो हमारी खुद की भाषा ऐसी हो गई कि एक लाइन हिंदी में बात करते हैं, दो लाइन अंग्रेजी में बात करते हैं, तो दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ, एंड फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आजकल की फिल्म में आपको कैरेक्टर्स वैसे ही मिलेंगे जो कि जिनकी भाषा बहुत पोइटिक नहीं है, तो इसीलिए, और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखने होते हैं, इसलिए गाने की जो भाषा है अब थोड़ी बदल रही है, और बहुत ज़्यादा पोइटिक गाने नहीं बनते हैं अब, तो ज़्यादा बोलचाल की भाषा के गाना बनते हैं, और वैसे ही गाने ज़्यादा चल रहे हैं, तो जैसे गाने चलते हैं उन गानों की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग को हर किस्म के गाने लिखने पड़ते हैं।
राजू हिरानी प्रोडक्शन की एक और फिल्म है, उस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जिसका टीज़र आप लोगों को पीके के साथ देखने को मिलेगा, माधवन है उस फिल्म में, तो वो मेरी अगली फिल्म है। और उस फिल्म में मैं दो तीन कैपेसिटीज़ में काम कर रहा हूँ, मैंने लिरिक्स लिखा है, मैंने कुछ एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के, मैं फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, और दो लैंग्वेज में फिल्म बनी है, तो मैं हिंदी वर्जन में आई एम द हिंदी डायलॉग कंसल्टेंट ऑल्सो, तो चार कैपेसिटी में उस फिल्म में काम कर रहा हूँ, वो मेरी अगली रिलीज है। उसके साथ ओनिर हैं डायरेक्टर, उनकी फिल्म आ रही है शब, ये दोनों फिल्म अगले साल आएगी। एक और फिल्म है प्यारी दुल्हन, वो भी आने वाली है, प्यारी दुल्हन के लिए तो मैंने गाना भी गाया है, तो ये सब फिल्में नेक्स्ट ईयर आने वाली है। मैं आपको वो लाइन सुनाता हूँ जो मैंने ओरिजिनली लिखा था मुखड़ा में, जो कि बाद में हमने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये गाना मिला था, जो थॉट राजू को बहुत पसंद आया था, मैं वो आपको सुना देता हूँ, जो कि मेन अभी जो फाइनल गाना बना है उसमें है नहीं। दिन में 200 बार पुकारा, हौले हौले हमने नाम तुम्हारा, 32 बार सामने सबके, चुपके चुपके तुझको निहारा, 12-12 घंटे जागते रहते, ऊंघते रहते अब दिन सारा, ठीक ही कहा था हमसे किसी ने, हमारी समझ में आज ये आया, लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ए लव इज बेस्ट ऑफ टाइम, ना तरा 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 रा 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 तरा तरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।